औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम अर्जुमंद उस्मान है। आज के इस वीडियो में आपको गौर पब्लिशर की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर्स क्लब सीरीज उर्दू जमात अव्वल का सबक नंबर 6 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद उनवान होनहार बच्चा के मुतल्लिक मश्क को हल करेंगे। आओ पढ़ें सवाल नंबर 7, दुरुस्त तलफ्फुज़ और रवानी से पढ़ें और सवालों के जवाब दें। शाबाश, सब बच्चे मेरे साथ ध्यान से और गौर से पढ़ेंगे क्योंकि किए जाने वाले सवालों के जवाब आप फिर जल्दी से ढूंढ लेंगे। जी, इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे कौमी शायर हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार बादशाही मस्जिद लाहौर के अहाते में है जो सुर्ख पत्थर से बनाया गया है। साथ ही लाहौर का शाही किला है, खूबसूरत मीनार पाकिस्तान भी करीब ही है। देखते हैं आप सवाल, हमारे कौमी शायर कौन है? जी हाँ, हमारे कौमी शायर इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं। अगला सवाल देखें, इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार कहाँ है? इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार बादशाही मस्जिद में है। अगला सवाल देखें, आप रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की इमारत किस रंग की है? तो इसका जवाब है, आप रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की इमारत लाल रंग की है। अगला सवाल, लाहौर के किले का नाम क्या है? लाहौर के किले का नाम शाही किला है। आओ क्वाइट सीखें, एक चीज को वन कहते हैं, जैसे लड़का, और एक से ज्यादा चीजें जमा होती हैं जैसे कि लड़के। इसी तरह सवाल नंबर 8 है, वाहिद और जमा अलग अलग करें। अंडा आएगा वाहिद में, तारे हैं जमा, दरवाजे हैं जमा, गुब्बारा वाहिद, परिंदा है वाहिद, परिंदे जमा, अंडे जमा, तारा वाहिद, दरवाजा वाहिद, गुब्बारे जमा। आओ नया लिखें, सवाल नंबर 9, तस्वीर देखें और हर तस्वीर के बारे में एक एक जुमला लिखें। आपको खूबसूरत से 3 तस्वीर दी गई हैं। पहली है एक दरख्त की, उसके बाद पाकिस्तान का परचम है और एक खूबसूरत कार की तस्वीर दी गई है। दरख्त के नीचे एक लाइन है और इसके ऊपर आप अपनी पसंद से जुमला लिख सकते हैं, जैसे कि मैं तो लिखूंगी दरख्त अल्लाह ताला की नेमत है। अगली तस्वीर झंडे को देख के मुझे याद आएगा ये पाकिस्तानी कौमी परचम है। अगली तस्वीर को देखें, ये एक कार है। आओ काम करें, सवाल नंबर 10, घर और स्कूल में आप अपनी चीजें कैसे संभाल कर रखते हैं? 3-3 के ग्रुपों में बैठकर चीजों की अहमियत और हिफाजत के बारे में बातचीत करें, फिर अच्छी बातें कापी में लिखें। ये बहुत अच्छी बात है, आप घर की और स्कूल की चीजों को संभाल के रखते हैं, अपनी कापियां, अपनी पेंसिल, बुक्स, किताबें, बस्ता और जितने भी ज़रूरी आपकी चीज़ें हैं घर में, आपके कपड़े, आपका कमरा बहुत तरतीब से लगे। आप दोस्तों के साथ मिलकर ये बातें शेयर कर सकते हैं और उनसे भी कुछ मशवरे ले सकते हैं अपने काम को करने के लिए। सवाल नंबर 11, इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर अखबार रसाला की तस्वीर तलाश करके कापी पर चस्पा करें। बहुत ही मज़ेदार अमली काम है, इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर आप ढूंढें नेट से, अपने मोबाइल से, या फिर आप अखबार में ढूंढें, किसी मैगजीन में ढूंढें, उसको काट कर अपनी कापी पे लगाएं। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।